माँ की आराधना का पर्व है नवरात्र। माँ के नव स्वरूपों की पूजा का पर्व है नवरात्र। बिगड़े हुए काम बनाने का पर्व है नवरात्र। भक्ति का दीपक दिल में जलाने का पर्व है नवरात्र। सर्वप्रथम आप सभी को शारदीय नवरात्र की हृदय की अनंत गहराइयों के साथ हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा घट स्थापना के साथ हम सभी के घट में स्थापित होकर के विराजमान होकर के हम सभी का कल्याण करे, सर्वदा मंगल करे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शक्ति का पर्व है नवरात्र। शक्ति की पूजा शक्ति की प्राप्ति के लिए की जाती है। शक्ति चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो या फिर आर्थिक हो। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री राम ने भी शारदीय नवरात्र में देवी की उपासना की, शक्ति की पूजा की, उनसे शक्ति प्राप्त की और उसके बाद विजयादशमी के दिन रावण का वध किया था। माँ दुर्गा तीन शक्तियों से समाहित है, तीन शक्तियों का सार है और उनके अंतर्गत तीन शक्तियाँ जो आती है उनका नाम है महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, जिसमें से महाकाली साहस, शक्ति, शौर्य और पराक्रम का प्रतिनिधित्व करती है। महालक्ष्मी धन, धान्य, ऐश्वर्य और वैभव का प्रतिनिधित्व करती है। वहीं महासरस्वती ज्ञान, शिक्षा, संस्कार, विवेक और कला का प्रतिनिधित्व करती है। इन तीनों शक्तियों का सम्मिलित एकाकी स्वरूप ही महादुर्गा है। नवरात्र जो कि नाम से ही विदित है कि ये 9 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान है, जिसके अंतर्गत हम आद्य शक्ति महादुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्टम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। इस श्लोक में देवी के 9 स्वरूपों का वर्णन किया गया है। इस बार शारदीय नवरात्र 7 अक्टूबर गुरुवार से प्रारंभ होकर 14 अक्टूबर गुरुवार तक चलने वाले हैं, क्योंकि चतुर्थी तिथि क्षय होने के कारण, घट जाने के कारण ये नवरात्र 9 दिवसीय ना होकर केवल 8 दिवसीय ही रह गया है और 15 अक्टूबर शुक्रवार के दिन देवी विसर्जन के साथ इस पावन पुनीत अनुष्ठान का समापन होगा। नवरात्र के 9 दिनों में यथासंभव और यथाशक्ति माता की पूजा, अर्चना और उपासना करें। संभव हो तो चंडी पाठ अवश्य करें। नवरात्रा के 9 दिनों में 9 दिवसीय चंडी पाठ बड़ा ही चमत्कारिक और प्रभावशाली फल देता है। यदि आप स्वयं चंडी पाठ ना कर पाएँ तो आप किसी विद्वान ब्राह्मणों से, पंडितों से अपने घर में ये दुर्गा सप्तशती का चंडी पाठ करवाएं। और यदि किसी कारणवश ये चंडी पाठ ना हो पाए तो आप उसकी जगह दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए, अलग अलग प्रयोजनों को साधने के लिए दुर्गा सप्तशती में अलग अलग प्रकार के मंत्र भी बताए गए हैं। यदि आपको शक्ति की प्राप्ति करनी हो तो आप माँ से आराधना करें और माँ के इस मंत्र का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संसिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यदि आपको लक्ष्मी की आवश्यकता हो तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संसिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यदि आपको बुद्धि की आवश्यकता हो, बुद्धि की प्राप्ति करनी हो तो आप इस मंत्र का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संसिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और यदि शांति की आवश्यकता हो तो शांति के लिए भी आपके पास मंत्र है। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संसिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके अलावा नरवाण मंत्र का भी बड़ा विशेष प्रभाव होता है और ये बड़ा चमत्कारिक प्रभाव देता है। नरवाण मंत्र को आप लाल मूंगे की माला से या फिर रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से भी कर सकते हैं। नरवाण मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसके अलावा एक बीज मंत्र भी है माता रानी का, वो है ओम दुम दुर्गाय नमः। तो अनेक प्रकार के साधन हैं, मंत्र हैं, पाठ हैं, जिससे आप माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपनी शक्ति की वृद्धि कर सकते हैं। नवरात्रों में देवी का व्रत और उपवास का भी बड़ा विशिष्ट प्रभाव होता है। उपवास, कुछ लोग फलाहार करके 9 दिवसीय उपवास करते हैं तो कुछ लोग एक समय सात्विक भोजन करके उपवास करते हैं। उपवास
दो अक्षरों से बना है, उप और वास। उप का तात्पर्य होता है जिसके बिना आप जीवन में नहीं रह सकते, वो आपकी दिनचर्या के साथ अटैच हो गया है, आपकी आदत बन गई है, उसके बिना वास करना ही वास्तविक उपवास है। और उपवास केवल भोजन का ही नहीं बल्कि बुरे विचार का, बुरी संगत का, बुरे ख्यालों का, बुरी वाणी का और बुरी आदतों का भी होना चाहिए। और नवरात्र के अंतिम दिनों में कन्या पूजन के साथ इस पावन पुनीत अनुष्ठान का समापन किया जाता है। तो देवी की आराधना करें, देवी से शक्ति अर्जित करें। एक बार फिर से माता रानी माँ दुर्गा आप सभी का कल्याण करें, आप सभी की झोलियाँ भरे। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को जय माता दी।